content. Morning guys, right now we are in Delhi. और हम यहाँ क्यों हैं? That is because we're going to some place for an event. ये event क्या है, ये पूरा चीज़ क्या है, ये आपको दिखेगा all throughout the vlog. So don't miss out. This is going to be very exciting. It's going to be a single vlog. हम दो दिन तीन दिन का trip है हमारा total. It's going to be one vlog. So पूरा experience आपको दिखाएंगे. अभी आपको दिखाते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं. Well, this is the car. It's ready. It's packed. This is Imtiaz bhai. Hi Imtiaz bhai. Hey, how are you brother? Good, good. See you. This is Rebar. So अभी आपको आगे बताएंगे who are these guys, हम लोग क्या कर रहे हैं, why are bikes are loaded here, क्यों ऐसे लोड करा हुआ है हमारी बाइकों को और हम कहाँ जा रहे हैं इन बाइकों को लोड करके. So बने रहिए, देखिए, I'll show you everything. So अभी हमने कवर कर लिया है थोड़ा सा डिस्टेंस. How many kilometers have we done so far? How many kilometers have we done? We've done about 120. So probably 100-120 kilometers हमने कर लिया है. And we have stopped here to grab a quick bite. ये ना यहाँ से अंडा निकला हुआ है छोटा सा, तो ये अंडा है चौके कभी भी मुर्गी बनेगा. This is good luck. It's still going on. Yeah. So अभी थोड़ा सा यहाँ पे खा लेते हैं. And then we'll get back into the car and proceed for the rest of the journey. This is supposed to be Jaipur. I mean, we are on the outskirts, so बाहर से ही हम जा रहे हैं. And that's Jaipur, in and around Jaipur. पहाड़ियाँ हैं इधर भी, like back home. But ये पहाड़ी में ना पेड़ नहीं है, ये थोड़े नंगे से हैं. गंजे. हाँ, गंजे से पहाड़ियाँ हैं. So ये दिख रहा होगा आपको. Why is Jaipur called Pink City? Because of the houses. Old city is painted in pink. All the old houses, okay. The old mahal, the Hawa Mahal, everything is painted in pink. Pink. Tabhi. If you go 600 kilometers west of Jaipur, then there's Jodhpur. Okay. And that's called the Blue City. Okay. And so sub blue. Yeah, the Blue City, the old section of Jodhpur is painted in blue. All the houses. Till today, they're painted every year blue again. Nice. So that's why मेरे को लगा था ये गंजे पहाड़ों की वजह से it's called a pink city. Anyway, अभी जा रहे हैं and I'm driving and Reba is there. Exam season में race करने आए हैं बेचारे. Exams छूट गए मेरे. So we were going towards Ajmer. अभी बीच में हमको आयुष भाई मिल गए. Hi guys. And भाई हमको बोले कि थोड़ा रुक जाओ. तो वैसे जर्नी तो काफ़ी दूर है, लेकिन थोड़ा बहुत भाई के साथ फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए रुक गए हम. एंड थोड़ा बहुत एक आध फोटो खिंचा के फिर हम चलते हैं वापस. ठीक है, पैकिंग डन वेरी नाइसली. और इतनी स्पीड के बाद भी बाइक बिल्कुल नहीं हिली, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत तरीके से पैकिंग करा है. अभी जो है हम राजस्थान के कोई इंटीरियर से जा रहे हैं और रोड बिल्कुल ना वो बॉर्डर मूवी जैसा दिख रहा है. उसमें जाते हैं ना ये लोग, छोटे छोटे पेड़ होते हैं इस तरफ इंडिया उस तरफ पाकिस्तान. और बीच की सड़क से हम जा रहे हैं रेस करने. हाँ, भेज रहा हूँ भाई, दो सेकंड. We took a shortcut through Rajasthan. I mean, next to Jaipur, Ajmer की तरफ. हम पूरा नहीं गए, आधा से shortcut लिया था. Beautiful place, as you can see. और हो गया छोटा सा एक कांड. अब कांड जो हुआ है ना वो आपको दिखाता हूँ. सुबह आपको मैंने टायर दिखाया था एक, याद होगा आपको. वो हल्का सा अंडा दिखाया था, वो अंडा ना अभी मुर्गी बन चुका है. और अब ये रहा मुर्गी का हालत. ये था अंडा, अब फट चुका है. ये बेचारा इस हालत में है. अभी इसको उतारना पड़ेगा, उतार के टायर जो है चेंज करना पड़ेगा. तो वी विल प्रोसीड नाउ. इसको बंद कर देते हैं. बाइक्स आर प्रिटी इंटैक्ट बाय द वे, बिल्कुल भी नहीं हिला अभी तक. हमने तकरीबन 300 किलोमीटर का जर्नी कर लिया, लेकिन अभी तक देयर इज नो मूवमेंट.
बढ़िया बैठा हुआ है सब कुछ। स्ट्रैप होता है, सॉरी बाइक उधर पे यहां पे चेयर चेयर पे नहीं कुछ नहीं हो चाहिए गियर गियर में। आपके हाँ एल्पाइन का इसका सब लोग नीचे आ गए और यहाँ पे स्विंग हम टाइम नाइस अभी हमने बाइक उतार ली है, थोड़ा सा सामान उतार लिया है और अभी हम गाड़ी को उठाएंगे। ना उठाना नहीं है, यहाँ से वो रॉड जाएगी जो नीचे का टायर है उससे नीचे उतारेगी रोल रोल करके फिर जैक पे भी चढ़ाना है उसको। फिर चलो गाइस, वी विल कीप शोइंग यू आवर एडवेंचर ऑन द ब्यूटीफुल Isuzu। अभी कट कट। सो गाइज, देयर्स बीन अ स्मॉल टर्न ऑफ इवेंट्स। अब चक्कर क्या है कि Isuzu का जो स्पेयर टायर का सिस्टम है ना, स्पेयर निकालने का, वो है बहुत नीचे ये यहाँ पे। अब वैसे तो स्कॉर्पियो का भी वैसे ही होता है, लेकिन स्कॉर्पियो का जो खोलने का नट होता है ना वो ऊपर रहता है। अब इस भाई साहब का है अंदर से, वो छेद देख रहे हो ना छोटा सा, उसके अंदर से एक तो हमको बाइक उतारना पड़ा, उतार लिया ठीक है। उसके बाद अब ये मैकेनिज्म अंदर डाल के हम खोल रहे हैं तो वो पूरा जाम हो गया, नीचे से पूरा जाम है वो, आप देख सकते हो पूरा जाम हो गया। ओके, अब ये दिया है उन्होंने खोलने के लिए, जो कि साला स्लिप खा रहा है। अब ये खुले ना तो हम क्या करें, अब हमारा बढ़िया सा ना एक वेकेशन चल रहा है आराम से रेगिस्तान के बीच में। तो Isuzu वालों, मैं तुमसे अगले हफ्ते गाड़ी ले रहा हूँ, तो मेरे में यार ये देख लेना कि ये सिस्टम ख़राब ना हो। लेकिन और एक चीज़ है कि मेरे को पता चल गया कि ये सिस्टम ना थोड़ा सा ख़राब होता है, तो टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहना चाहिए। रेबार कैसा लग रहा है, एंड्योरेंस कैसा लग रहा है? एंड्योरेंस अभी शुरू होने से पहले स्टार्ट हो चुका है। हम लोग राजस्थान में एंड्योरेंस कर रहे हैं। यस, Isuzu एंड्योरेंस। अभी आई थिंक हम लोग उधर लाइक एंड्योरेंस रेस से 5 मिनट पहले पहुंचने वाले, सो वी विल जस्ट हैव टू गो ऑन द ट्रैक। 5 मिनट की स्लीप मिलेगी सबको कार में एंड देन फिर सूट पहन के बाइक चलाना। 5 मिनट का पावर नैप वही मिलने वाला है हम तीनों को। भैया क्या बताइए, कैसा फील हो रहा है Isuzu ऑन करके? नो वर्ड्स, क्या स्टुपिडिटी की ना हद होती है। जुगाड़ जुगाड़ का जुगाड़ का इनको दिखाओ, डंडिया वंडिया जो दिखा दिया मैंने। तो अभी ये टायर ना जरा सा भी शेप में रहता किसी तरह, तो हम इसको ना किसी तरह रिपेयर करके चला लेते। अब दिक्कत है क्या, यह इधर से फट गया है, फट के ये देखा बड़ा सा छेद हो गया, इसको हम नहीं यूज़ कर सकते, वी मस्ट चेंज इट। तो अभी देयर इज अ गाय, ही इज़ गोइंग टू द मार्केट एंड ही इज़ ट्राइंग की ही विल ट्राई एंड फाइंड अस वन यूज्ड टायर इवन फ्रॉम द स्कॉर्पियो विल डू, बिकॉज वो भी 17 इंच ही है, दिस इज ऑल्सो 17 इंच, सो इफ वी कैन लाइक यू नो चेंज दिस तो एटलीस्ट वी कैन गेट टू अ सिटी वेयर वी कैन मे बी गेट वन ऑफ दीज गुड टायर्स एंड कंटिन्यू बैक ऑन द जर्नी। सो आई कीप यू पोस्टेड गाइस। तो अभी हमने क्या किया, इस फैक्ट्री के अंदर हम आ गए, गाड़ी हमने अंदर लगा दी, दिस इज द कार इनसाइड एंड द ट्रक एंड समहाउ ये जो यहाँ के वर्कर्स हैं लोकल, दे बीइंग एबल टू टेक दिस टायर आउट, उन्होंने क्या करा पूरा लॉकिंग मैकेनिज्म को ही खोल दिया नीचे से एंड दे टुक द टायर आउट। अब व्हाट वी डूइंग इज, भैया जैक लगा रहे तो इन्होंने निकाला, अब इज लूजिंग द नट्स ऑफ द टायर एंड इज टेकिंग इट अप बाय द जैक। ये था मैकेनिज्म, इसमें थी गलती, ये देखा इसको रॉन्ग साइड घुमा के ना इन्होंने नट गोल कर दिया हुआ है एंड प्लस इसका जो एक चेन है ना, ये चेन ये भी साला पीछे पुली के पीछे अड़ा हुआ है, ये देखो
इसी वजह से पूरा मैकेनिज्म अटक गया था, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट वर्किंग। सो गाइस अभी हो गया है रेडी टायर, अभी हमने स्पेयर डाल दिया है और वो दूसरा वाला टायर जो है वो भेज दिया है रिपेयरिंग के लिए, वो चेंज के लिए बेसिकली। एक हमने क्या करा है, एक यूज टायर खरीदा है यहाँ लोकली, और यूज टायर को हमने चेंज करने के लिए इसका जो रिम था ना उस पर चेंज करने के लगाने के लिए दे दिया है ऑलरेडी, तो वो हो जाएगा अभी 10-15 मिनट में। तब तक हमने ये पूरा पैकिंग करके बाइकों को ऊपर वापस सब कुछ पैकिंग करके डाल दिया, अब हम हो गए हैं फ्री और 5-10 मिनट में बस यहाँ से निकलने वाले। सो दीज आर द गाइस, इनके पास मैं आया था, एक्चुअली यहीं पे ख़राब हुई थी हमारी गाड़ी एंड दे हेल्प अस आउट। ये भाई साहब आपका नाम? राकेश मलक। राकेश और दीपक। दीपक, दीपक जी, राकेश जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना हेल्प किया और गाड़ी बना के दी, अभी नहीं तो हमारा 12 घंटे का और जो जर्नी है ना वो 20 घंटे का हो जाता, कल रेस हो ही नहीं पाती। थैंक यू। और इनका एक कंपनी भी है नमकीन का, हमने लिया भी है इनसे, इनफैक्ट वो दिखाना भी है। दिस इज द नमकीन, गणेश प्रीमियम नमकीन। ये बहुत बढ़िया लगा, हमने थोड़ा सा टेस्ट भी किया था अभी यहाँ पे, और स्पेशली ये जो चिप्स है ना, दीज आर टू गुड। तो आप कभी भी इफ़ यू वांट डोज चिप्स, हम तो लोकल वाला खाते हैं, पसंद नहीं आता, मुझे भी आज तक कभी नहीं आया, लेकिन ये वाला बहुत बढ़िया है, यू प्लीज़ ट्राई दिस वन। थैंक यू सो मच भैया, अभी हम चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सब हेल्प के लिए, चलो मिलते हैं। अब कहानी सुनो, टायर तो हमने बदल लिया, ठीक है, ये देखो ये हम टायर लेके आए, ये रिम ज़्यादा छोड़ा हो रहा है इस टायर के लिए, ये इसमें चढ़ेगा नहीं, ठीक है, हेडलाइट प्रॉब्लम वन नहीं, वन ऑफ द प्रॉब्लम। सेकेंड हो गया इस दूसरे टायर में, फ्रंट के टायर में निकल गया पंक्चर, ठीक है, अभी इसको बनवा रहे हैं। तो ये ना क्या है, नहीं वो नहीं बोलेंगे तो अब अगर ये सारा ख़त्म हो जाता है अभी, तो भैया हम अभी निकल रहे हैं फाइनली शायद, इंशाल्लाह। टाइम क्या हो रहा है अभी? 4:45। अभी हमें हाफ पे हो जाना चाहिए था ना, हाफ वे तक। हाँ, मोर ऑर लेस। हाँ, और 4-5 घंटे में पहुंचना था पर पहुंचे नहीं। चलो अभी सुबह के 5 बजे पहुंचेंगे वहाँ, होपफुली कल तक हम पहुंच जाए, तो कल प्रैक्टिस जो भी होगा प्रैक्टिस करके परसों रेस शायद कर लेंगे। हमें नहीं करेंगे, करेंगे को बतावा। तो बस अभी इधर से निकलेंगे थोड़ी देर में। Somewhere near Udaipur and अभी ना आज का दिन बहुत लेट हो गया हमारे लिए, वी वर प्लानिंग समथिंग एल्स बट वो हो नहीं पाया, लेट हो गया थोड़ा सा, तो वट वी नीड टू डू इज़ ये फ्लॉग ना हमको 2 एपिसोड्स में बनाने पड़ेंगे, दैट्स व्हाट वी विल डू। एंड अभी तो अंधेरा हो गया, तो अंधेरे के बाद अभी शूटिंग करके फ़ायदा नहीं होगा, हम ये ब्यूटिफुल एक्सप्रेस वे पर जा रहे हैं, वेरी ब्यूटिफुल रोड्स, लेस ट्रैफिक, हमारे वहाँ ऐसे सड़कें मिलती नहीं हैं, तो लेट मी एन्जॉय द रोड फॉर नाउ एंड आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, बोल दो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, कीप वॉचिंग ET Racing, बाय बाय बोल।